Good morning everyone. So we have now moved to our next and last chapter of our unit, uh, which is chapter number 8, which is related to joins and set operations. From the name itself, we can understand that we will be going to join some of the tables in MySQL. So we have already Python Pura cover. We have now moved to MySQL. We have even seen some of the programs in the lab itself. And now वी आर मूविंग टू वर्ड्स ज्वाइनिंग ऑफ दोज जॉइंट्स के बारे में भी शायद जितना मुझे याद आ रहा है मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि जॉइन uh, कैसे करते हैं बट uh, स्टिल हम आज उसको और डिटेल में समझेंगे तो जॉइन करना है मतलब कि वी आर गोइंग टू डील विद मोर देन वन टेबल डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हैव मोर देन वन टेबल टू कम्बाइन और ज्वाइन सम ऑफ़ द थिंग्स सो so, यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ दो डिफॉल्ट टेबल्स को लेकर उन पे जॉइन कंडीशंस लगाकर देखेंगे और जॉइन करके देखेंगे कि कैसे हम दो अलग अलग टेबल्स को जॉइन कर सकते हैं ठीक है आफ्टर दैट वी विल बी आल्सो गोइंग थ्रू सम ऑफ द सेट ऑपरेशंस जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ द सेट ऑपरेशन विच आर लाइक यूनियन इंटरसेक्शन एंड माइनस सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट वेल तो ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं एक तो एसक्यूएल में ज्वाइंट्स और दूसरा है सेट ऑपरेशन सो वी हैव टू डील विद दीज इन दिस चैप्टर सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट ज्वाइनिंग ऑफ टेबल्स फ्रॉम द नेम इट सेल्फ यू कैन सी जॉइन मीन्स टू कंबाइन सो लेट अस सी द डेफिनेशन अ जॉइन इज अ क्वेरी दैट कम्बाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स है ना दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से रोज को कम्बाइन करना या जोड़ना और या मर्ज करना उसको कहा जाता है कि ये एक जॉइन क्वेरी है इन अ जॉइन क्वेरी मोर देन वन टेबल आर लिस्टेड इन द फ्रॉम क्लॉज ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब अभी हम क्या कर रहे थे अभी सिंपली जब हमको किसी टेबल से डेटा विजिबल करवाना होता था तो हम लिखते थे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट ऐसा लिखते थे और सेमी लगा देते थे बट नाउ वॉट वी आर हैविंग वी आर हैविंग मोर देन वन टेबल अब जब मोर देन वन टेबल होगा तो यहाँ पर कॉमा लगाकर हमको दूसरे टेबल का नाम भी लिखना पड़ेगा ठीक है और फिर यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा सो so, यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि सिलेक्ट क्वेरी के अंदर फ्रॉम क्लॉज के अंदर आपको टेबल्स के नाम देने पड़ेंगे ठीक है तो हमने वही किया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट कॉमा इवेंट मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा टेबल्स uh, का नाम दे रहे हैं फ्रॉम क्लास के अंदर और जब हम एक से ज़्यादा टेबल्स का नाम देते हैं फ्रॉम क्लास के अंदर सो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग लाइक ज्वाइनिंग ऑफ दैम तो ये ही ज्वाइनिंग कहलाती है सिंपली इतना कर देने से ज्वाइन नहीं हो जाता हाँ डेफिनेटली ज्वाइन तो हो जाता है बट देर आर स्टिल सम मोर थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न टू गेट इन टू द कंसेप्ट ऑफ द ज्वाइंट्स तो अभी सिर्फ इतना हमने देखा कि ज्वाइंट मतलब दो टेबल्स को आ, अलग अलग रोज को मर्ज करना या कंबाइन करना और जॉइंट क्वेरी में हम लोग सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं सिलेक्ट क्वेरी के अंदर फ्रॉम क्रॉस के अंदर अलग अलग टेबल्स के नाम लिखते हैं आगे देखते हैं द फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इज कॉल्ड जॉइनिंग है ना अलग अलग डेटा को कंबाइन करने का जो ये फंक्शन होता है अलग अलग टेबल्स में से इसको ज्वाइनिंग कहा जाता है द ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड है ना दैट इज़ बेस्ड ऑन सम कंडीशन जो ज्वाइनिंग होती है टेबल की टेबल table, दो टेबल्स का आपको ज्वाइन करना है तो वो या तो किसी कंडीशन पे बेस्ड हो सकता है या तो किसी भी कंडीशन पे बेस्ड नहीं हो सकता मतलब कि वो या तो रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है या तो अनरिस्ट्रिक्टेड हो सकता है दो तरीके से टेबल्स की ज्वाइनिंग पॉसिबल है सबसे पहले हम देखते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड क्योंकि वो सिंपल है उसमें कोई कंडीशन नहीं है तो वो थोड़ा इजी होता होगा तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये जो एक एग्जांपल लिखा हुआ है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम पी एल कॉमा डी ई पी टी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कंडीशन हमेशा कहाँ लिखी जाती है तो कंडीशन हमेशा लिखी जाती है वेयर क्लॉज के अंदर और आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी वेयर क्लॉज नहीं है यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम और जो भी आपके दो टेबल्स हैं उनका नाम लिखा हुआ है तो यहां पर ये अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन कहलाता है जहां पर कोई भी कंडीशन ज्वाइन कंडीशन नहीं होती है ठीक है इसको ये जो आप कहते हैं ना जिसको हम बोल रहे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सो दिस अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन इज आल्सो नोन एज कार्टेजियन प्रोडक्ट ठीक है इस अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन को कार्टेजियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है कार्टेजियन प्रोडक्ट सिंपली क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि एक टेबल में अगर पाँच रोज़ हैं दूसरे टेबल में अगर छः रोज़ हैं तो इसका कार्टेजियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज अब बन जाएंगी तो टोटल अब सिक्सटी नंबर ऑफ रोज बन जाएंगी है ना तो कार्टेजियन प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एंड एवरी थिंग फ्राम टू ईच एंड एवरी थिंग हर एक रो का हर एक दूसरे टेबल की रो से मल्टीप्लीकेशन तो ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी थर्टी इसको बोलते हैं कार्टेजियन प्रोडक्ट मैथमेटिक्स में सुना होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने तो कार्टेजियन प्रोडक्ट वाला कंसर्प्ट यहाँ पर होता है कब जब हम अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन की बात करते हैं जहाँ पर हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं ना विदाउट एनी बाइंडिंग कंडीशन जब कभी कोई भी बाइंडिंग कंडीशन नहीं दी जाती तो उसको बोला जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड या कार्टेजियन प्रोडक्ट तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग कंडीशन या बाइंडिंग uh, कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई है तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड या कार्टेजन प्रोडक्ट वाला ज्वाइन होगा ठीक है तो यहाँ पर कार्टेजन प्रोडक्ट कब फॉर्म होता है उसके बारे में बताया हुआ है तो कार्टेजन प्रोडक्ट कब फॉर्म होता है जब कोई ज्वाइंट कंडीशन नहीं दी जाती ज्वाइंट कंडीशन यहाँ पर इनवैलिड होती है अगर आप कार्टेजन प्रोडक्ट बना रहे हो तो जॉइंट कंडीशन दे देते हो तो वो इनवैलिड है वो कोई कार्टेजन प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा एंड ऑल रोज़ इन द फर्स्ट टेबल आर जॉइन टू ऑल रोज़ इन द सेकेंड टेबल यही होता है कार्टेजिन काटेजिन मतलब पहले टेबल की सारी रोज़ का दूसरे टेबल की सारी रोज से मैच uh, करना कॉम्बिनेशन करना मल्टीप्लिकेशन करना तो यहाँ पर यही होता है ऑल रोज ऑफ द फर्स्ट टेबल आर जॉइन विद द ऑल रोज ऑफ द सेकेंड टेबल सो इन दैट सिनेरियो ओनली अ अटेजिन प्रोडक्ट या एक अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन विल बी फॉर्मड ठीक हाँ आगे देखते हैं आगे है रिस्ट्रिक्टेड जॉइन ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड जॉइन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो चलो अब इसको समझते हैं रिस्ट्रिक्टेड जॉइंस क्या होते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स में एक कंडीशन होती है हमने अभी भी देखा कि जहाँ पर कंडीशन चाहिए होती है हम वहाँ पर वेयर क्लॉज लगाते हैं हमने देखा ना जैसे कि मैंने बोला कि मुझे वो सारे डेटा देखने हैं जिनकी स्पीशीज़ डॉग है तो हम क्या लिखते थे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर स्पीशीज इज इक्वल्स टू डॉग तो क्या होता था जिनकी स्पीशीज डॉग होती थी उनके आंसर आते थे मतलब मैंने कंडीशन क्या दी जो डॉग है उनके ही आउटपुट दो तो वो कंडीशन कहाँ पे दी गई तो वो कंडीशन दी गई वेयर क्लॉज के अंदर सो डेफिनेटली ऑल द टाइम वेन एवर वी आर सपोज टू गिव सम कंडीशन सो इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड अंडर द वेयर क्लॉज ये हम ऑलरेडी जानते हैं तो यहां पर इस तरीके से जब हम कोई कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज नोन एज अब रिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन क्यों है, तो है यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, है तो ज्वाइन कहा जा सकता है अब ये कोई भी इट विल नो लॉन्गर बी प्रोडक्ट इट विल नाउ बी कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन और सिंपली इसको अब या तो रिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन या एक ज्वाइन अब कहा जाएगा ठीक है आगे बढ़ता है यहाँ पर कुछ टेबल्स बताए हुए हैं जैसे कि ये एक टेबल बताया हुआ है देख सकते हो आप यहाँ पे अराउंड कितने नंबर ऑफ डेटा है हम देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास यहाँ पर इस एक डेटा में इस टेबल का नाम है हमारा ई यहाँ पर लिखा हुआ है अगला एक और टेबल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ये टेबल है देखो उस टेबल को डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने क्या लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डी तो ये एक दूसरा टेबल है डी जिसमें है एक दो तीन चार पाँच छः नंबर ऑफ रोज ठीक है तो ये हमारे दो टेबल्स हैं इन दोनों टेबल्स पर हमको वर्क करना है तो चलो देखते हैं कैसे इन्होंने क्या क्या चीज़ें हमको इस टेबल के बारे में बताई हैं तो देखो अब क्या होता है थोड़ा सा ये थोरिटिकली हम इन चीज़ों को समझते हैं उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे तो देखो नाउ सपोज वी नीड टू नो द ऑफिस लोकेशन फॉर द एम्प्लॉयी नेम्ड अनूप अनूप की हमको ऑफिस लोकेशन पता करनी है चलो यहाँ पर देखते हैं अनूप कहाँ है ये रहा अनूप ठीक है अनूप की ऑफिस लोकेशन अनूप की ऑफिस लोकेशन चलो देखते हैं लोकेशन नाम का कॉलम कहाँ है ई नंबर है ई e नेम है जॉब है एम जी आर है हायर डेट है सेल है कॉम है और डिपार्टमेंट नंबर है क्या यहाँ पर लोकेशन नाम का कॉलम दिखा क्या नहीं दिखा तो सिर्फ इस अकेले टेबल का इस्तेमाल करके क्या आपको अनूप की लोकेशन पता चल पाई नहीं पता चल पाई चलिए दूसरे टेबल को देखते हैं दूसरे टेबल में दिया हुआ है डी पी टी एन ओ डिपार्टमेंट नेम और लॉक लॉक मतलब लोकेशन दूसरे टेबल में कहीं ना कहीं लोकेशन है पर दूसरे टेबल में अनूप नहीं है ठीक है और एक और चीज समझने वाली यह है कि यहां पर आप देखो यहां पे डी पी टी एनओ है यहां पर डीपीटीएनओ दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम है और वो कॉमन कॉलम कौन सा है तो वो कॉमन कॉलम है डी ई पी टी ओ क्लियर तो ये जो कॉमन कॉलम है इस कॉमन कॉलम का इस्तेमाल करके हम अनूप की लोकेशन पता कर सकते हैं कैसे तो देखो ये रहा अनूप अनूप का डिपार्टमेंट नंबर क्या है ट्वेंटी डिपार्टमेंट नंबर ट्वेंटी की लोकेशन क्या है चेन्नई तो अनूप की लोकेशन क्या होगी चेन्नई होगी हमने तो देख लिया देख के आंसर बता दिया पर इसकी क्वेरी कैसे बनेगी ठीक है इसकी क्वेरी कैसे बनेगी ये हमको समझना पड़ेगा तो यहाँ पर जब कभी आपको अब देखो आंसर आ रहा है बट आंसर कैसे आ रहा है दो टेबल्स को ज्वाइन करने के बाद आ रहा है सिंगल टेबल आंसर दे पा रहा है क्या नहीं दे पा रहा ज्वाइन करना ज़रूरी है ज्वाइन करे बिना काम नहीं होने वाला है तो यहाँ पर अब हम ज्वाइन कैसे करेंगे तो चलो उसको देखते हैं तो ज्वाइन करने के लिए सिंपली देखो इन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवा ली पहले तो हम इस एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं यहाँ पर पर इन्होंने ये चीज़ें डिस्प्ले करवाई हैं सिलेक्ट ई e नेम कॉमा लॉक e ई नेम मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए अनूप प्रिंट होना चाहिए और लॉक मतलब कि चेन्नई प्रिंट होना चाहिए ये ऐसा आंसर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ठीक है कि यह आंसर डिस्प्ले हो तो सिलेक्ट एस्ट्रिक सिलेक्ट ई नेम कॉमा लोकेशन फ्रॉम अब कहाँ से डिस्प्ले करवाना है तो एक ही टेबल है क्या नहीं दो टेबल्स हैं तो दोनों टेबल्स के नाम लिखने पड़ेंगे अगर आप सिर्फ इतना लिख देते और ये नीचे की दो लाइंस को नहीं लिखते सिर्फ ऊपर की दो लाइंस को लिखते तो आपका आंसर आता कार्टेजियन प्रोडक्ट और कार्टेजियन प्रोडक्ट मतलब क्या होता तो वो होता 14 इंटू सिक्स क्योंकि पहले टेबल में 14 नंबर ऑफ रोज थी है ना और दूसरे टेबल में Uh, six number of rows so, का आपको हो जाती, क्या इससे आपका answer आपका मिल पाता? नहीं मिल पाता? पाता, नहीं तो यहां पर क्या करना होगा आपको कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी तो कंडीशन क्या देनी पड़ेगी आपको ई e नेम और लोकेशन डिस्प्ले करनी है किसकी डिस्प्ले करनी है जिसकी जिसका ई e नेम अनूप है जिसका ई e नेम e अनूप है उसका आपको सिर्फ और सिर्फ उसका ई नेम और लोकेशन डिस्प्ले करना है अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हो या आखिरी वाली लाइन नहीं लिखते हो तो भी वो एरर दे देगा क्योंकि ई नेम और लॉक उसको मिल तो और जाएगा दोनों टेबल्स में पर वो कहीं ना कहीं एरर प्रोवाइड करेगा और जो एग्जैक्ट आंसर हम देना देखना चाहते हैं वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हमने ज्वाइन तो कर दिया ठीक है हमने ज्वाइन तो कर दिया पर ज्वाइन करते टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉइन कंडीशन ठीक है तो आप लोगों को ज्वाइन कंडीशन देना बहुत ज़रूरी है और ये जो तीन लाइन आपने लिखी इन तीनों लाइन में कहीं पर भी ज्वाइन कंडीशन हमने नहीं दी है तो जैसे ही हम इतना लिख लेते हैं सेलेक्ट ई नेम और लॉक फ्रॉम ई एम पी एल एंड डी पी टी वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू अनूप अब वेयर क्लॉज में एक और कंडीशन देनी होती है वो क्या होती है ज्वाइंट कंडीशन जो कि जब भी दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा लिखनी होती है तो सॉरी ज्वाइंट कंडीशन कैसे लिखते हैं तो ज्वाइंट कंडीशन लिखने के लिए सबसे जरूरी क्या करना पड़ता है आपको दोनों टेबल्स के नाम लिखने पड़ते हैं एक है ई दूसरा है डी ठीक इन दोनों के बीच में लगाना होता है इक्वल टू ठीक और डॉट डॉट और जो भी कॉमन आपका कॉलम का नाम है जैसे यहाँ पे डी ई पी टी एन यहाँ भी डी ई पी इतना आपको लिखना होता है ये होती है जॉइन कंडीशन क्या किया आपने टेबल का नाम लिखा इक्वल टू का साइन लगाया डॉट लगाकर कॉमन कॉलम का नाम लिखा इसको बोलते हैं ज्वाइंट कंडीशन इज इट नॉट ईजी जॉइन कंडीशन लिखना ईजी नहीं है सिर्फ टेबल का नाम लिखा डॉट कॉमन कॉलम का नाम लिखा उन दोनों को इक्वल टू के बीच में लगा दिया जैसे ही आप इतना करते हो तो आप देखोगे कि इस तरीके का आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा तो जब कभी इस तरीके का आंसर प्रोड्यूस करना है जहाँ पर कि एक अकेले टेबल से काम नहीं हो रहा है एक से ज़्यादा टेबल्स की ज़रूरत पड़ रही है और एक कॉमन कॉलम भी हमारे पास है तो उस समय पर हम जॉइंट कंडीशन लगा सकते हैं और जॉइंट कंडीशन जब भी हम लगाते हैं तो वहाँ पर कॉमन कॉलम का इस्तेमाल करके जॉइंट कंडीशन दी जाती है ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं चलो अब देखते हैं क्या है ये एग्जाम्पल नंबर वन राइट क्वेरी टू ज्वाइन टू टेबल्स ई एम पी एल एंड डी ई पी टी ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड डी ई पी टी एन ओ अब ज्वाइन तो डी ई पी टी एन ओ के बेसिस पर ही होगा ना जब कॉमन कॉलम वही है तो तो क्या लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम पी एल कॉमा डी ई पी टी है ना अब सिर्फ इतना लिख देते तो अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन हो जाता ठीक तो यहाँ पर हमने क्या किया अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ा कर जॉइन कंडीशन भी देनी पड़ी तो जॉइन कंडीशन कैसे दी ई एम पी एल डॉट डी ई पी टी एन ओ और डी ई पी टी डॉट डी ई पी टी एन ओ दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन और आखिरी में सेमीकोलन जैसे ही आपने एंटर प्रोड्यूस किया ये आंसर हमको देखने को मिल गया है ना तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल गया कि अब हर एक की हर एक एम्प्लॉय की लोकेशन हमको देखने को मिल रही है कितने अच्छे से ज्वाइन हुआ है वो कि हर एक एम्प्लॉय नेम की लोकेशन हमको देखने को मिल रही है ठीक है बट एक चीज़ जो गड़बड़ हुई है इस जॉइंट में बा सब चीज़ सही है एक चीज़ जो गड़बड़ हुई है वो है ये जिसको मैंने मार्क किया आप देख पा रहे हो यहाँ पे डी पी टी एन ओ रिपीट हो गया है है ना ये एक कॉलम ऐसा है जो दो बार आ गया है आइडेंटिकल कॉलम है जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आया जब कभी हम दो टेबल्स को मर्ज करते हैं जॉइन कंडीशन लगाते हैं तो कॉमन कॉलम रिपीट होता है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कॉमन कॉलम को रिपीट नहीं होना चाहिए तो चलो कॉमन कॉलम को रिपीट कैसे नहीं होने दे सकते हैं अब उसको समझते हैं तो हम उसके लिए एक कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं वो क्या हो सकता है कि हम सिंपली एक काम करें इस ई नाम के टेबल के तो सारे डेटा को डिस्प्ले कर लें सारे मतलब एस्ट्रिक है ना सारे डेटा को डिस्प्ले कर लें और दूसरे टेबल में जो कॉमन कॉलम है उसको छोड़कर बचे हुए दो कॉलम्स को डिस्प्ले कर लें मतलब जहां पर हम अभी लिख रहे थे सिलेक्ट ध्यान से समझना जहाँ पर हम अभी लिख रहे थे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम पी एल डी पी डी शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो यहाँ पर हम सिंपली अब लिख दें सिलेक्ट और यहाँ पर ये जो डॉट लगाया हुआ है इसके पहले लिख दें आ, पहले टेबल का नाम क्या ई एम पी एल तो ई एम पी एल डॉट एस्ट्रिक फिर से लिखता हूँ मैं तो हम सॉरी यहाँ पर लिख देंगे ये लिखता है सिलेक्ट ठीक है सिलेक्ट ई एम पी एल डॉट एस्ट्रिक इससे क्या होगा ई एम पी एल टेबल के सारे कॉलम्स डिस्प्ले होंगे और उसके बाद क्या करना है दूसरे टेबल्स के कितने कॉलम्स डिस्प्ले करना है डी पी टी एन ओ को छोड़ के बचे हुए दो तो कॉमा डी नेम कॉमा लॉक फ्रॉम ई एम पी एल कॉमा डी पी टी और फिर जो भी आपकी कंडीशन है वो मतलब जहां पर हम सिंपली सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम पी एल कॉमा डी पी टी लिख रहे थे वहां पर अब हम क्या लिख देंगे सिलेक्ट ई एम पी एल कॉमा एस्ट्रिक मतलब ई एम पी एल टेबल के सारे कॉलम्स कॉमा डी नेम कॉमा लॉक इसका मतलब क्या होगा कि ई एम पी एल नाम के कॉलम के सारे हमको डेटा को चाहिए है और अगले वाले टेबल में से सिर्फ और सिर्फ डी नेम और लोकेशन चाहिए जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो आप देखोगे कि जो आपका आउटपुट आएगा अब वो रिपीटिंग कॉलम्स को डिस्प्ले नहीं करेगा ऐसा इन्होंने फिर से बनाकर बताया नहीं है पर इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं और रिपीटेड कॉलम्स यहाँ से बचा सकते हैं और right. अगला जो टॉपिक दिख रहा है वो है क्वालिफाइड नेम्स का इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ये जो तरीका होता है ना ये इसको क्वालिफाइड नेम्स बोलते हैं टेबल का नाम डॉट एस्ट्रिक और ऐसे ही टेबल का नाम डॉट गिनती की फील्ड्स डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं जैसे कि देखो इन्होंने यहाँ पर लिख के बताया दूसरे एग्जाम्पल में डिस्प्ले डिटेल्स लाइक डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम जॉब एंड सैलरी सिर्फ आपको ये चीज़ें डिस्प्ले करनी है एंड ऑर्डर द रोज बाय एम्प्लॉय नंबर विद डिपार्टमेंट नंबर चलो ठीक है तो यहाँ पर जब हमारे पास कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज हैं तो हम क्या लिखेंगे देखो सिलेक्ट ईएमपीएल से हमने ले लिया डीपीटीएनओ तो देखो ई एम डॉट डी फिर ले लिया डी नेम ई ई नेम जॉब और सेल यहाँ पर हमने आ, सारी चीज़ों में सिर्फ ईएमपीएल लगाकर डीपीटीएनओ को डिस्प्ले किया क्योंकि डी दो जगह पर था तो हमने यहाँ पर क्वालिफाइड नेम यूज़ किया है कि हमने ई में से डी पी टी एन ओ को डिस्प्ले किया ठीक और बाकी कॉलम्स तो जहाँ से होंगे वो वहाँ से उठा लेगा डी नेम जिसमें होगा डी नेम वहाँ से ले लेगा ई एम पी एन ओ होगा उसमें से ले लेगा बाकी तो रिपीटिंग नहीं है ना सिर्फ एक ही रिपीटिंग था और कहाँ से फ्रॉम ई एम पी एल कॉमा डी ई पी टी जॉइंट कंडीशन ये लिखी हुई है ठीक है एक और बात इन्होंने लिख के दी ऑर्डर द रोज बाय एम्प्लॉय नंबर विद डिपार्टमेंट नंबर तो यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर बाय लगा दिया ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर तो डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से लिया था आपने ई से तो ये यह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ई डॉट डी पी टी एन ओ कॉमा एम्प्लॉय नंबर भी बोला इन्होंने तो ये कॉमा ई तो इस तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज लगा दिया जैसे ही हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो आप देखोगे दस 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 जिसके एम्प्लॉय नंबर है उनके आंसर पहले दिख रहा है ट्वेंटी एम्प्लॉ नंबर बाद में थर्टी एम्प्लॉय नंबर बाद में तो इस तरीके से ऑर्डरिंग भी की जा सकती है एक और चीज़ टेबल की एलियाजिंग भी की, सक, की जा सकती है मतलब पेट नेम भी दिया जा सकता है बड़ा बड़ा आपको बार बार लिखना पड़ रहा है तो आप इसकी एलियाजिंग भी कर सकते हैं ठीक है वो कैसे होगी तो वो हम थोड़ा सा अब समझते कहाँ पर बताया है इन्होंने उसको हाँ यह यहाँ पर देखो हम जब कॉलम का नाम बता रहे थे तो अभी तक क्या लिख रहे थे यहाँ क्या लिख रहे थे सिलेक्ट ई एम पी एल कॉमर डी ई पी टी एन ओ डी नेम ई एम पी एन ओ ई नेम जॉब सेल और यहाँ पर जब ऑर्डर बाय कर रहे थे वहां भी क्या लिख रहे थे ई एम पी एल डॉट डी ई पी टी एन ओ तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या कर दिया अब यहाँ पर ई नाम के टेबल को एलियाजिंग कर दी जो हम शुरू में लिख देते हैं उससे एलियाजिंग हो जाती है जैसे मैंने ई e. डॉट लिख दिया ना तो ई नाम के टेबल का नाम अब ई हो गया इस क्वेरी के अंदर तो जहाँ पर मुझे ई लिखने की ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ई e लिख कर काम कर सकता हूँ ठीक तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट ई डॉट डी है ना और Uh, यहाँ पर ई एम पी एल ई ताकि क्लियर हो जाए कि ई e हमारा ई एम पी एल का नाम है तो ई एम पी एल स्पेस ई डी पी टी को कोई नाम नहीं दिया यहाँ पर ई डॉट डी ई पी टी एन क्योंकि ई एम पी एल का नाम ई e हो गया है और डी पी टी का जो नाम था वो और फिर यहाँ से ई e, और यहाँ पर ई एम पी एन ओ तो यहाँ पर हमने क्या किया सिर्फ और सिर्फ एक का नाम बदला है ना जब एक का नाम बदला तो ये हुई क्वेरी पर हम इसकी भी एलियाजिंग कर देते और इसका भी नाम दे देते डी पी टी का भी डी दे देते तो क्या होता तो ये होता कि हम ई डॉट डी पी टी एन ओ दे रहे हैं तो यहाँ पर ई एम पी एल ई डी पी टी डी और जब ज्वाइन कर रहे थे तो ई डॉट डी पी टी एन ओ डी डॉट डी पी टी एन ओ और ऑर्डर बाय ई डॉट डी पी टी एन ओ ई एम पी एन ओ तो इस तरीके से लिखकर एलियाजिंग भी की जा सकती है ठीक है तो एलियाजिंग करना भी यहाँ पर पॉसिबल है और एलियाजिंग की जा सकती है एग्जाम्पल नंबर थ्री और फोर और जो ये आगे की चीजें हैं इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कितना एग्जाम्पल्स है मैं एक बार देख लेता हूँ ठीक है ज्वाइंट कंडीशंस और ये देखो सब जगह आके जितना भी आगे बढ़ रहे हैं ना हम तो देखो हर जगह पर ये एलियाजिंग ही करी हुई है तो एलियाजिंग बहुत जरूरी था इसलिए हमने देख लिया उसको और ये सब तो यूनियन और ये सब तो बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अराउंड दो एग्जाम्पल्स देखे हमने और इस चैप्टर में आज के लिए आई थिंक इतना सफिशेंट है नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पार्ट को देखेंगे सो so स्टूडेंट्स एक बार इसको ध्यान से देखें समझे uh, फिर हम देखते हैं आगे के चैप्टर को सो ऑलराइट स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच सी यू द नेक्स्ट क्लास